तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि रांची धरना का हब बन चुका? सबसे बड़ी इसकी मैं इसको एक वाक्य में इसलिए मैंने इसका उत्तर देना चाहूंगा कि सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, इसलिए लगातार ये धरना प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थल बनता जा रहा है। रांची अब धरनाओं का हब बन चुका है, आए दिन राजभवन के समीप धरना होते ही रह रहा है। कभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना, तो कभी 1932 खतियान की मांग को लेकर धरना, कभी ओबीसी आरक्षण ना मिलने पर धरना, सिर्फ धरना ही धरना हो रहा है रांची में। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सोकरा ग्रेफाइट्स का धरना अभी तक जारी है, काफ़ी दिनों से ये धरना चल रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दिन से धरना दे रहे हैं, और इसलिए आज जीएन भारत की टीम राजभवन के समीप पहुंची है ये जानने के लिए कि धरना समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। इससे पहले वाली सरकार में आप लोगों ने धरना दिया था या फिर अभी हेमंत सोरेन की सरकार है तब आप लोग धरना दे रहे हैं? नहीं, पहले वाले सरकार में भी हम लोग 2018 में 32 दिन धरना दिए थे। इसके बाद 2018 के बाद फिर 19 में हम लोग 32 दिन धरना दिए, लेकिन सरकार के यहाँ से जो लोग आया करते थे वो सिर्फ आश्वासन हम लोग दे दे करके कहते थे कि आप लोग का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुई। 2019 में जब हम लोग किसी स्थान पर धरना पर थे तो हेमंत जी आए हुए थे, बोले कि ये सरकार को आप लोग को हटाना है और दूसरी सरकार को बैठाना है, और हम जैसे ही इस सरकार में आएंगे आप लोग के काम कर देंगे। तो रांची धरनाओं का हब क्यों बनता जा रहा है? अब तो ये यहाँ की सरकार भी देख रही है, या उनको सरकार को समझना चाहिए कि लगातार कई तरह के लोगों ने धरना पर जो बैठे हुए हैं सरकार को समझनी चाहिए। ये तो उनकी मैटर है कि हमारे झारखंड राज्य के स्थानीय लोग जो धरना पर जो टिके हुए हैं ये तो सरकार को समझनी चाहिए। वो चूँकि मुखिया हैं, और जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं अगर बैठे हुए हैं तो उनको तो सूचना है ही, उनको तो बेधड़क आ करके अपने IAS अफसरों को, विभागीय अफसरों को भेज करके हम लोग के जायजा को तो लिया जा सकता था, लेकिन अभी तक तो कुछ लोग आए नहीं, कुछ किए नहीं। ऐसे हम लोग आप देख रहे हैं जो बैनर तरह जो लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट को फैसला को अभी तक ला हेलना किया जा रहा है। ये आप लोग जरा देखिए कि क्या है इस सरकार की राज्य में क्या कंडीशन है, किस चीज़ को लेकर। ये हम लोग का पलामू से बिलोंग हम लोग करते हैं। पलामू में एक माइंस है, सोकरा ग्रेफाइट माइंस का नाम से प्रसिद्ध है, वो ग्रेफाइट की माइंस है, वो पूरे एशिया में नंबर वन पर है, और उनके वो हम लोग उसी के मैं कंपनी आगे चल रही थी, कंपनी मजदूर पर केस की, कंपनी लेबर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और जो अति सुप्रीम कोर्ट है वो मजदूर के पक्ष में फैसला देते गया, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। हम लोग झारखंड सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोग की मांग जो है उसको पूरा करें। तो हमने आपको सुनाया कि ये लोग क्यों धरना दे रहे हैं, कि अगर अब इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो जिस तरह से ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ये अब उग्र आंदोलन पे उतर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको दूसरी धरना की ओर लेके चलते हैं कि वो लोग क्यों धरना दे रहे हैं। आप लोग राजभवन के समीप धरना क्यों दे रहे हैं? धरना देने का मुख्य रीज़न ये है कि हम लोग सभी ICT योजना के तहत सभी उच्च विद्यालय में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सन 2017 से लेकर के लगातार 5 साल सेवा 2022 तक दिए। अप्रैल 2022 में 14 तारीख को हम लोगों का जो लगातार जो सेवा दे रहे थे वो सेवा की समाप्ति हो गई है, जिस कारण हम लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, और अपनी मांग को लेकर के हमें रोजगार से मुक्त नहीं किया जाए, हम लोगों को रोजगार दिया जाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कल से ही। हमारा एक प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रांची धरनाओं का हब बन चुका है? जी बिल्कुल। तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि रांची धरनाओं का हब बन चुका है? जी, इसका कारण ये है कि सरकार जिन जिन योजनाओं को संचालित करती है और यदि उसका पोषण नहीं कर पाती है तो उसका सीधा असर है कि लोग तो उसका विरोध करेंगे, लोग अपना प्रदर्शन करके दुख जताएंगे कि हमारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, और उसके लिए कहां सबसे अच्छा प्लेस हो सकता है, जहां सरकार बैठती है वहीं उन्हीं के सामने ना अपना दुख को सुनाया जाएगा, इसलिए हम लोग राजभवन के सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कल से। कुछ दिन पहले तक पंचायत सचिव अभ्यर्थी ने काफ़ी दिनों तक धरना दिया, क्या वो भी अब थक के बैठ चुके हैं? तो क्या आपको लगता है कि आपके धरना देने से सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी?
मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पंचायत सचिव जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अपनी मांग को लेकर के धरना दिया, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी किया। और लेकिन एक मानवता के नाते हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास अपना जारी रखेंगे जहाँ तक हो पाएगा। और यदि सरकार को अगर सुनना ही नहीं है तब हम लोग जितना संभव हो सके प्रयास करने के बाद हम लोग भी अगर थका के सरकार चुपचाप बैठाना चाहती तो हम लोग भी आखिर में वही करेंगे। लेकिन इतनी स्थिति साफ है कि इसके बाद हम लोगों का जीवन जो है वो बेपटरी हो गई, पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि हम लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपको जब ऐसा लग रहा है कि सरकार आपको चुप करवा के बैठा देगी बाद में, तो फिर आपको धरना देने से क्या फायदा? धरना देने का मुख्य मकसद ये है कि सरकार फिर कंपनी के माध्यम से ऐसा कह रही है कि हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि कंपनी के एक टैग दे करके हम लोगों को कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर शोषण किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को न सिर्फ वहाँ पढ़वाया जाता है, इसके साथ साथ जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं अभी सारे अधिकांश जो है ऑनलाइन ही वर्क होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के ऑनलाइन के सेटअप द्वारा ही जितने भी मैट्रिक के, इंटर के जितने भी अभी फॉर्म फिलअप होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, ये सब सारे कार्य जो हैं कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित किए जा रहे हैं। अगर आपको एक सेंटेंस में बताना पड़ेगा कि रांची धरनाओं का हब क्यों है, तो आप क्या कहिएगा? सबसे बड़ी मैं इसको एक वाक्य में इसलिए मैंने इसका उत्तर देना चाहूँगा कि सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, इसलिए लगातार ये धरना प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थल बनता जा रहा है। तो जैसा कि हमारे प्रश्न का उत्तर इतना सटीक तो नहीं मिला, लेकिन मिल ही गया, सरकार की नाकामी ही धरना का हब बन चुका है। और यह धरना खत्म हो पाएगा या कितने दिनों तक चलेगा, ये तो देखने वाली बात है। और जैसा कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना यहीं पर चलता था और वो लोग थक हार कर अपना धरना स्थल छोड़ कर यहां से जा चुके हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।